कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज उन्हें याद करते हुए ट्वीट करते हुए कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि नफरत उन लोगों के लिए जेल की तरह है जो इसके साथ जीते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सभी को प्यार और सम्मान देना सिखाया। ये सबसे बहुमूल्य तोहफा है जो एक पिता अपने बेटे को दे सकता है। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हम में से जो राजीव गांधी को प्यार करते हैं वे हमेशा आपको अपने दिल में रखेंगे। राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। वे भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज और लंदन के इंपीरियल कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले राजीव गांधी वर्ष 1984 में अपनी माँ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारी बहुमत के साथ 40 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। वर्ष 1991 में 21 मई को चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी जनसभा के दौरान आत्मघाती हमलावरों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। ताजा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो जरूर लाइक कीजिएगा।